हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो RJPP ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो थ्री इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉलेज रीओपनिंग के बारे में, दूसरा पॉइंट कि जो ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसमें कि ओपन बुक, ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम और MCQ में, तो ये सारा कंफ्यूजन को हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट आपको अपडेट्स हो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कॉलेज री ओपनिंग के बारे में। जैसा कि RJPP ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं तत्काल प्रभाव से चालू किए जाएं तथा अन्य सेमेस्टर की क्लासेस 1 फरवरी से चालू किए जाएं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अभी भी कुछ कॉलेज में ऑफलाइन रूप से चालू नहीं किया गया है, कुछ कॉलेज में चालू कर दिया गया है, बट ये डिपेंड करेगा कि कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि सभी सेमेस्टर की क्लासेस 1 फरवरी से ऑफलाइन रूप से चालू कर दिए जाएंगे, बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है। आपके कॉलेज के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर क्लासेस आपकी ऑफलाइन चालू होती है तो 100% अटेंडेंस के साथ आपको नहीं बुलाया जाएगा, या तो 50-50% अटेंडेंस के साथ बुलाया जाएगा या फिर 1/3 30% 33 या 30% के साथ आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको COVID-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करना है और कभी भी आपको फोर्सफुली नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स की सहमति होती है तभी आपको ऑफलाइन रूप से कॉलेज में बुलाया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग आपकी कॉलेज रीओपनिंग के बारे में। हमारा दूसरा पॉइंट है जो RJPP ओपन बुक एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आफ्टर राइटिंग एग्जामिनेशन आप पेपर को सबमिट कर सकें। तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर पे और वहां पे टाइप करना है poly.rjpp.exam.in। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसमें RJPP ऑनलाइन एग्जाम, तो RJPP ऑनलाइन एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। देन आपको स्टूडेंट पोर्टल का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है राइट साइड टॉप कॉर्नर में, होम, लॉग इन एंड रजिस्टर। चूंकि आप नए हैं तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपका डिटेल पूछा जाता है, जहाँ पे पहला आपका फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट नंबर और ईमेल एड्रेस, और ये जो भी आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है एज पर RJPP रिकॉर्ड जो आपके ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी जो आपके RJPP के वेबसाइट पे सबमिट होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है तो उसके लिए आपको RJPP के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो RJPPDiploma.in पे, अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं तो RJPP.ac.in पे। यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाता है और यहाँ से आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं जो आपके ईमेल एड्रेस है वो कौन सा डला हुआ है। तो यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करके डाल सकते हैं। तो जैसे ही अपना यहाँ पे फुल नेम इंटर करेंगे, फादर्स नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आएगा, देन आपकी ईमेल आईडी, और मैंने बता दिया था कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्टूडेंट प्रोफाइल से लेना है। देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे। जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछता है क्रिएट पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको उस हिसाब से क्रिएट करना है। जैसे कि अगर आपका नाम राकेश है तो Rakesh@123 या Rakesh123, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे री पासवर्ड टाइप करेंगे, देन आप क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। अब यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है, फिर से यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, देन क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें सब्जेक्ट अलॉटेड यहाँ पे शो होगा, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कोड, पेपर टाइप एंड एग्जाम। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपका पेपर अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे लिंक शो नहीं हो रहा है पेपर अपलोड करने के लिए,
तो अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगेन आप यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन करने का देखिए ऑप्शन आ रहा है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, आपके पास पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तो तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के अभी भी कन्फ्यूजन है कि उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ओपन बुक होगा या एमसीक्यू टाइप होगा। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होगा, चाहे वो डिप्लोमा कैंडिडेट हो या बीटेक के कैंडिडेट हो। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कशन किया था इसके बारे में। और जो रिमेनिंग ईयर के स्टूडेंट है, जो रिमेनिंग सेमेस्टर, जो फाइनल ईयर को छोड़कर जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम हैं वो सारे ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। अब ये बात है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपकी 50-50% ही काउंट किया जाएगा जो आप घर से देंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि 100% हमें मार्क्स चाहिए, जितना आप हम लिखते हैं उतना हमें मार्क्स चाहिए, तो आपको उसके लिए ऑफलाइन एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने बताया था कि आपको एक एफिडेविट देना है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके साथ आपको एक एफिडेविट अटैच करना है कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। तो ये था डिटेल डिस्कशन अबाउट जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो डाउट्स आपके थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।